वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो और भाई एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम चक्राता को बाय बाय करेंगे। भाई साहब कैसा एक्सपीरियंस रहा? भाई मजा आ गया, पर ये मान लो भाई मजे से ज्यादा ठंड ज्यादा है यहाँ। ठंड ज्यादा है, सुबह सुबह अपने सुबह सुबह लगती है, लेकिन अभी धूप नहीं गिर रही है, मजा आ रहा है पूरा। अभी भाई बाइक की हालत काफी ज्यादा खराब हुई हुई है, ये देखो। और यहाँ पे पानी भी नहीं है, तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कोई गैस करो। ल्यूब भाई मैं रास्ते में करवा के लाया था उठा चक्राता मार्केट में, तो कल ये ल्यूब वगैरह वहीं से कर लिया था। तो भाई बात आती है अब इसको साफ कैसे किया जाए बिना पानी के, तो उसके लिए भाई अपने पास एक चीज है वुल्फ डिटेलर की तरफ से सिरेमिक वाटरलेस वॉश, तो इसके साथ मैं इसको साफ करने वाला हूँ। और भाई ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, वो तो मैं पहले वाली वीडियो में ऐसे मजाक कर रहा था, यार दोस्त हमारे तो ऐसी जगह ऐसे हम करते रहते, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बार वाली भी, ये भी ये लगा लिया, यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ तो इनका भी स्टिकर मैंने ऐसे ही लगा लिया। तो भाई एक नंबर की जगह है, आप अगर यहाँ जाना चाहो तो, और डिटेलिंग वगैरह का कोई काम हो तो यहाँ पे चले जाना वुल्फ डिटेलर, और यहाँ की लोकेशन मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक नंबर की सर्विस है भाई, और आपको मैं दिखाता हूँ इनके प्रोडक्ट का कमाल, क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ भाई 900 पे भी। और इसकी कॉस्ट वगैरह कुछ होगी तो वो देख लेना भाई कहीं, वैसे तो 999 फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, अमेजोन का मेरे को पता नहीं, तो एक बार इसको यूज़ करके दिखाता हूँ आप सबको। तो भाई अभी आप देखना कि कैसे इसको यूज़ करते हैं, और बाइक अभी इस तरफ लगा लिए, तो बाइक की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है भाई, काफ़ी डस्ट है। देखो मिट्टी का कोई सोल्यूशन है क्योंकि वाटरलेस है, तो सिर्फ जो ऊपर का बॉडी पार्ट है पेंटेड उसको हम अभी साफ कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत ज़रूरी है, चमकती रहनी चाहिए, जान से प्यारी है भाई। तो कुछ नहीं करना, इधर इसका लॉक है, ये ऐसे लॉक होता है, इसको लॉक हटाओ और बॉडी के ऊपर स्प्रे करो। और भाई ऐसे कपड़ा फेंको तो बस, इतना सा, इतना इजी टू यूज है। वैसे यहाँ पे कपड़े अवेलेबल है ऐसे ही थे, दो कपड़े रखना, एक सूखा और एक जो मतलब ऐसे यूज कर रहे हैं, और दोनों का मैं डिफरेंस दिखाऊंगा आपको, दोनों साइड का टंकी का, कि कितना सही तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये देखो इधर बिल्कुल सही मस्त शाइन आ रही है, वैसे स्क्रैचेज है पीपीएफ हो रखी इसके ऊपर, और ये भी वहीं से हुई है, और ये वाला है डस्ट का पार्ट, तो दिन रात का फर्क आ जाता है भाई, बहुत सही चीज़ है। तो एक बार इसको मैं प्रॉपर तरीके से एक बार साफ कर लेता हूँ, मेन डिफरेंस आपको दिखाना, तो मैंने दिखाई दिया आपको भाई। अभी हो चुके वार्म अप और साफ भी कर लिया, बाइक सही चमक रही है, बाकी सबकी गंदी बाइकें हैं, अपनी साफ सुथरी नहाई धोई है, ड्राई क्लीन करी है, कोई नहीं भाई फिर अपनी ने फिर तो नहा लेंगे। तो भाई हमने भी ड्राई क्लीन करी है और बाइक की भी ड्राई क्लीन ही हुई है, तो अब इसको लेकर निकलते हैं और फ्यूलिंग करवानी है भाई। पहले तो पेट्रोल पंप रह गया सिर्फ 300 मीटर दूर, और एक बार फ्यूल डलवा लेते हैं। और भाई बाइक पे जो जा रहा है, बोट का स्पीकर इतने बड़े वाला, तो उसको लटका के अपना म्यूजिक एंजॉय कर रहा है, मैंने उसको आगे कर दिया, हाँ भाई आगे जाओ नहीं तो कोई कॉपीराइट आ जाएगा, पेट्रोल डलवा के वापस इधर ही जाना है, पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल। अपने आप डाल ले हैं, फुल कर दो। तो भाई पेट पूजा इसकी करवा रहे हैं, क्योंकि हमने तो कुछ खाया नहीं, इसकी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं खाएगी तो हम भी नहीं खा पाएंगे, रास्ते में रख देगी हमको। और भाई बाइक सही चमक रही है देखो, एकदम सही, बाकी डस्ट तो अभी भी आ ही गई, अरे ऊपर तक आ गया। तो भाई अपने शिकारियां देखो क्या कर दिया, तारी क्यों करिया, अच्छा भाई साइड में लगा रहे थे, नीचे उतार दी दो ईट, अरे ईट अड़ा दे नीचे, ईट अड़ा दे भाई, इसे इसे पायलट आ जाए, नीचे उतार दी बैरी ने, होएंगे यार एबीएस होए इलेक्ट्रॉनिक है सारे। तो भाई लोकेशन कितनी अल्टीमेट है, और यहाँ पे फोटोज और रील निकाली है, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जाके फॉलो कर लो और बताना कमेंट सेक्शन वगैरह में कैसी लगी। तो भाई के फोन में, भाई मेरे में भी एयर ड्रॉप कर दिए, उसके में खिंचवाइए विशु वाले में, हम तो अपने पे भाई लगाए बैठे हैं।
और ये देखो लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं व्यू को। बाकी भाई यहाँ से व्यू और भी जबरदस्त है, अल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट। ये देखो गजब लग रहा है भाई, गजब। यहाँ से जबरदस्त लग रहा है भाई सही में। फॉरेस्ट फायर इसको बोलते हैं, आग लगा रखी है। ये देखो हाँ धूप धाप तक गर्म होकर लग जाएगा। और ये धुआं ना पीछे से दिख रहा था थोड़ा थोड़ा सा, मैं तो ये सोच रहा था कि वैसे कुछ जल रहा है, लेकिन भाई ये तो एक्चुअल में ही फायर थी। ये देखो हाँ धूप धाप तक गर्म होकर लग जाएगा। कभी ऐसी चीज होती रहती है, घास सूखी हुई थी है, तो धूप की वजह से भी लग जाती है, फिर कोई थोड़ा बहुत किसी ने डाल दिया होगा गलती से, उससे भी लग जाती है। तो भाई व्यू ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये नदी का बहाव उस तरफ है, हाँ तो उधर से नदी आ रही है। और ऐसे घूम के ऐसे घूम के पीछे उधर जा रही है। और भाई ये कैंपटी फॉल का रास्ता है, आगे जाके कैंपटी फॉल आ जाएगा। और यहाँ की तो देखो एक फोटो तो बनती है यार, फोटो और ले लेते हैं साथ में। कितना ही प्यारा, ओ भाई पोर्ट्रेट कितना प्यारा निकल के आ रहा है, जैसे वॉलपेपर है ना कोई, वैसा लग रहा है। कोई नहीं भाई, किसी ने वॉलपेपर लगाना हो तो बता देना, हम इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे अगर आप हमको वहाँ पे फॉलो करते होगे तो। एक वाइड एंगल और ले लेते हैं, ये तो भाई स्टोरी पे लगेगा, अभी लगा देता हूँ इसको तो। तो भाई एक भाई आगे पहुंचा हुआ था और वो भी हो गए हम सभी इकट्ठा। और जो ऊपर का व्यू मैं दिखा रहा था आपको, उस नदी के बिल्कुल पास पहुंच गए हम, काफी देर लगी अभी भी। और ये देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है, और ऐसे ऐसे नज़ारे भाई औरों के व्लॉग्स में देखते थे तो बहुत मन कर रहा था कि ऐसे घूमने आए, तो अब आज हम अपने में देख रहे हैं। एक बार नीचे भी चल के देख सकते हैं, अभी टाइम है हमारे पास, क्योंकि हमारी बाइक अभी सभी इकट्ठा हो चुकी है और गाड़ी हमारी आनी रहती है। तो लेट्स सी, एक बार पता कर लेता हूँ इनसे कि ये नीचे चलते हैं कि नहीं। तो भाई अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया और सभी यहाँ पे खाना खा रहे हैं। ये देखो अपनी अभी आएगी और सभी खाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आठ बंदे हम, वाली थाली में क्या क्या भाई, दाल है, सब्जी है, दही है, चावल है, रोटी है, किसी ने खाने की आलू मटर की सब्जी और दाल है भाई, बढ़िया। तो खा लेते क्योंकि सुबह से खाली पेट चले, और टाइम हो चुका भाई डेढ़ बजे तक हम ऐसे ही चल रहे हैं सुबह से बिना। कोई नहीं भाई, खाना खाएंगे और फिर निकलेंगे वापस। और सब्जी अच्छी है, एक बार दाल और ट्राई कर लेते हैं क्या है। दाल भी सही है भाई, एवरेज है ना, कोई ज्यादा मिर्च मसाला बिल्कुल सही है। तो फिर मैं खाना खा के एकदम फ्रेश माइंड हो जाते हैं, फिर यहाँ से जाएंगे सीधे कैंपटी फॉल, क्योंकि रास्ते में ही है और मसूरी में कोई रुकने का कोई प्रोग्राम नहीं, सीधा माल रोड से होते हुए निकल जाएंगे बीचों बीच। हाँ लाग रहे। तो भाई यहाँ पे लिया था एक छोटा सा ब्रेक रावत भोजनालय, और भाई खाना वाकई में बहुत सही था, क्योंकि तीन चार दिन हो गए थे ऐसे तवे की रोटी खाए, जब से घर से निकले तब बाहर मिलती नहीं भाई ऐसे, बाकी सही मिल गई चीज़ें यहाँ पे हमको खाने को। और ये कोइंसिडेंस था भाई, हम पीछे से गलत आ गए थे, वैसे मेरे को ये जगह दिख गई तो मैंने रोक लिया इधर, फिर सभी ने इधर ही रोक लिया, फिर बाद में देखा कि मसूरी का रास्ता दूसरी तरफ ही है। तभी वापस जा रहे खाना खा के, 500 किलोमीटर पीछे एक दूसरा रास्ता था,